सूत्रों के मुताबिक MSME को कर्ज बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक सख्त रेटिंग के प्रावधानों सहित कर्ज के नियमों में ढील देने पर सहमत हो सकता है। रिजर्व बैंक के बोर्ड की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और RBI के बीच जारी मतभेद खत्म करने के लिए ऐसा हो सकता है। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए विशेष व्यवस्था पर विचार कर सकता है। ये क्षेत्र नकदी के संकट से जूझ रहे हैं। 21 सरकारी बैंकों में से 11 को RBI ने PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल रखा है। RBI किसी बैंक पर PCA का फंदा डालने को तब मजबूर हो जाती है जब बैंक 3 अहम कसौटियों में से किसी एक में भी विफल हो जाता है। इन तीनों कसौटियों में कैपिटल टू रिस्क वेजेड एसेट रेशियो, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और रिटर्न टू एसेट शामिल है। जिन 11 बैंकों को PCA में रखा गया है उन पर नए कर्ज देने और नई ब्रांच खोलने समेत कई तरह की रोक लगी हुई है। वित्त मंत्रालय लगातार इसके लिए दबाव बना रहा है। उनका कहना है कि नियमों में ढील की जरूरत है। अगर इसमें ढील मिलती है तो कुछ बैंक इस वित्तीय साल के अंत तक इसके दायरे से बाहर आ जाएंगे। सरकार का मानना है कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला MSME सेक्टर अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। ये क्षेत्र नोटबंदी और GST लागू होने के बाद काफी प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए मदद की जरूरत है। हालांकि रिजर्व बैंक MSME और NBFC के लिए विशेष व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो इन्हें संवेदनशील क्षेत्र मानता है। हालांकि बोर्ड की बैठक से पहले इसे लेकर कोई आखिरी फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।